अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे पास जो है Godox की 8600 BM जो है लाइट है। इसमें दो मॉडल्स आते हैं, एक जो है 8600 है और दूसरी जो है 8600 BM है। तो हमारे पास आज 8600 BM लाइट है, हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका रिव्यू करते हैं और इसमें बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको पूरी जो है इसकी डिटेल देते हैं। तो चलिए जल्दी से हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जी आ गई लाइट 8600। तो अब जो है हम इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। फोटोग्राफी लाइट है और ये जी अनबॉक्सिंग हो रही है इसकी। और फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमारे पास इसकी एक मैनुअल आ जाती है QC डिपार्टमेंट की तरफ से, QC पास है इसके। अब इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आप लोग इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लाइट को रीसेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, और भी इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स और बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं इस प्रोडक्ट के हवाले से। और ये जो है हमारे पास एक और बुकलेट आ जाती है जिसमें Godox की बकिया लाइट्स जो हैं इसमें मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा जो Godox की जितनी भी लाइट्स जो हैं वो आती हैं। तो इसे भी साइड पे करते हैं, ऑन करते हैं जी। ये देखें जी, जी तो गाइस ये अब हमारे पास आ गई है हमारी लाइट 8600 BM। ये हमारी लाइट है, हमारे पास मेन प्रोडक्ट आ गई। और जी इसमें और हमें क्या देखने को मिल रहा है जी, इसमें जी हमें एक बैटरी मिल रही है, इसकी काफ़ी हैवी ड्यूटी बैटरी है इसकी। एक इसका चार्जिंग अडाप्टर हमें मिल रहा है और जी इसमें एक पावर केबल है और इसमें एक जो है इसका बल्ब है, ठीक है जी। ये इसमें जो है सामान आता है इसका, इसकी जो भी एक्सेसरी है लाइट की। तो हम जो है लाइट को ऑन करते हैं, इसे चेक करते हैं, इसे टेस्ट करते हैं इसकी कैसी जो है वो लाइट है जी। तो हमारे पास जो है 8600 लाइट आ चुकी है, ठीक है। आपको दिखा दूं इसके ऊपर आप जो आपको जो है काफ़ी सारे बटन्स जो हैं वो शो हो रहे होंगे और इन बटन्स के फंक्शंस क्या हैं ये भी आपको बता देते हैं, ठीक है। और अभी जो है हम इसे ऑन करते हैं। ये देखिए जी लाइट मेरे पास इस वक्त ऑन हो चुकी है 8600 Godox की। और इसका कैप उतारने के लिए यहाँ पे साइड पे जो है एक बटन है, इसे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और ये जो है इसका कैप उतर गया, ठीक है जी। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसके मेन्यूज़ और बटन जो हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर जो है हमें एक बटन मिल जाता है जिसका नेम जो है वो मोड है। इसके ज़रिए जो है आप अपनी लाइट के जो है मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मल्टी होगा, मैनुअल होगा, ठीक है। ये दो मोड होंगे, आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मेन्यू आ जाता है, मेन्यू में आगे काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। रीसेट का भी ऑप्शन जो है वो मेन्यू में ही आपको मिलेगा। बाज़ औक़ात आपकी अगर सेटिंग्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, लाइट वर्क नहीं कर रही है, तो आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं। वो मेन्यू में जाके लास्ट पे ऑप्शन आता है रीसेट का, ठीक है जी। स्लेव ऑप्शन भी है इसमें, इसका फ़ैन भी है, अगर लाइट ज़्यादा गर्म हो जाती है तो आप इसका फ़ैन ऑन कर सकते हैं। तो इसके अलावा जी हाई सिंक की ऑप्शन है इसमें, हाई सिंक का एक अलग जो है बटन है। उसके बाद इसकी एक लाइट का बटन है, आपको दिखा दूं। ये देखें जी लाइट ऑन हो रही है इसकी। ये इस वजह से इन्होंने ऑप्शन दिया क्योंकि बाल का जो है हॉल्स वगैरह में जो है लाइट चली जाती है, तो देन जो है आप इसे ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद जी इसे बंद करते हैं। अब जो है हम इसे फ्लश करते हैं, देख रहे होंगे आप काफ़ी लाइट है इसकी, आंखों में लाइट लग रही है इसकी। ये लाइट है हमारे पास जी Godox की 8600 BM। तो काफ़ी अच्छी लाइट है, ख़ास तौर पे इसकी पैकिंग जो इन्होंने की है, इस कंपनी ने बहुत ही कमाल की इसकी पैकिंग है और इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है लाइट की। तो आप लोग जो है इसे ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके www.geonline.tk। और इसके अलावा जो है आपको स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।